नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 13 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के दौरान निगरानी रखेगी OCR मशीन। बिहार में COVID-19 के मिले 10 से कम मामले। बुखार पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में बनी विशेष व्यवस्था। चिराग पासवान ने अपने पिता की बरसी पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा करने की उठाई मांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव के दौरान निगरानी रखेगी OCR मशीन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत इस बार के पंचायत चुनाव में जिन इलाकों में मतदान होगा उन जगहों के मतदान प्रतिशत के बारे में लगातार उम्मीदवारों और लोगों को अपडेट दिया जाएगा। मतदान के दिन आयोग ने 5 दफे मतदान का प्रतिशत बताने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक सुबह 9 बजे पहली दफा मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और उसके बाद फिर 5 बजे शाम को मतदान का प्रतिशत बताया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना निष्पक्ष कराने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए भी आयोग ने खास तैयारी कर ली है। मतगणना स्थल पर प्रत्येक टेबल के पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन रखी जाएगी। इसके जरिए मशीन के जरिए ही उम्मीदवारों को मिलने वाले हर वोट पर नजर रखी जाएगी। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निकाली रख दिया। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुख्य परियोजना प्रबंधक, अतिरिक्त महाप्रबंधक, संयुक्त मुख्य परियोजना प्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के कुल मिलाकर 28 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BE या BTEC या MBA की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 28 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट www.mahametro.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंझारपुर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की कही बात। बीते दिन जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंझारपुर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहां NH का निर्माण होगा, जो इस रिवर फ्रंट एरिया में मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र को भविष्य का दर्शनीय स्थल और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की बात भी कही है। इसके साथ ही संजय झा ने रिंग बांध को डेवलप कर करीब 1 किलोमीटर में वॉकिंग ट्रैक बनाने का आदेश भी जारी किया है, जिससे रेलवे स्टेशन बाजार के निवासी को घूमने में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही संभव है कि कमला बलान नदी पर बने पुराने पुल की ऊंचाई निकट भविष्य में बढ़ाई जाए। पंचायत चुनाव को लेकर मद्य निषेध विभाग ने बनाया खास प्लान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। इसी बीच मद्य निषेध विभाग ने खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पंचायत चुनाव के दौरान शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और विभाग एक साथ काम करते नजर आने वाला है। इसको लेकर जिला पुलिस को भी गश्ती और वाहन चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिला पुलिस को गश्ती तो बढ़ाने का निर्देश दिया ही गया है, साथ ही वाहन चेकिंग बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर के सीमा पर बने चेक पोस्ट और प्रमुख सड़कों पर जांच तेज की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और विभाग साथ मिलकर के स्पेशल ऑपरेशन चलवाकर जिन जिलों में पंचायत चुनाव पहले हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे और पहले अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान को लेकर मुख्यालय स्तर पर प्रतिनियुक्त उत्पाद एवं पुलिस के वरीय अफसरों को जिला आवंटित कर दिया गया है। बिहार में COVID-19 के मिले 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 7 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 80 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में 1, कटिहार में 1, मुंगेर में 2, पटना में 2, सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,51,046 सैंपल की जांच की गई। वहीं 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट बढ़ी आगे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 17 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिसके बाद ही अब अभ्यर्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ओपन बुक साइंस टैलेंट सर्च में हिस्सा ले सकते हैं 6ठी से 11वीं कक्षा तक के बच्चे। अगर आपके बच्चे भी 6 से 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके पास एक सुनहरा मौका है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ओपन बुक साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन लेकर आई है, जो कि 12 भाषाओं में होने वाला है। इस टैलेंट सर्च परीक्षा में 6ठी से 11वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे, जिसका आयोजन फिलहाल 30 नवम्बर और 5 दिसंबर को किया जाएगा, जो कि 90 मिनट की होगी। सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन करवाया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी साइट www.vvm.org.in पर होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स के सचिव सुमन कुमार ने कहा कि जोनल से राष्ट्रीय स्तर तक के विजेताओं को इंटर्नशिप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बड़े लैब में सीखने का मौका मिलेगा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बिहार में अपनी मांग को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। किसी भी सफाई कर्मचारी संघ और सरकार के बीच वार्ता विफल हो गई है, जिसके कारण पटना सहित पूरे प्रदेश के शहर का बुरा हाल है। कई जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है। कचरे की वजह से संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए सफाई कर्मियों ने शहरों में जगह जगह जानवरों को भी फेंकना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। राजधानी पटना में तो चलना फिरना भी वारा हो गया है। नगर वासियों को हालांकि राहत देने के लिए बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया गया था, लेकिन बीते दिन हुई प्रधान सचिव की वार्ता में भी हड़ताल को खत्म नहीं किया जा सका, जिसके बाद परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। घर चुनाव कार्यालय प्रचार वाहन पर अब लगा सकेंगे पोस्टर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर घर चुनाव कार्यालय और प्रचार वाहन पर पोस्टर लगाने की छूट दे दी गई है। इस बाबत आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी अपने मकान, चुनावी कार्यालय और अपने प्रचार वाहन पर पोस्टर लगाने का काम कर सकता है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को इस आशय में निर्देश दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, हालांकि इसकी सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी, जिससे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है इसकी जानकारी आयोग को मिल सके। ई श्रम पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरू हुई कवायद। केंद्र की मोदी सरकार नई श्रम पोर्टल का शुभारंभ 26 अगस्त को कर चुकी थी, जिसका उद्देश्य दैनिक मजदूरी करने वाले दुकानदार समेत अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर को एक देश एक पोर्टल पर पंजीकरण कराकर डेटा मौजूद रखना है। इसके साथ ही इसके जरिए सरकार की यह भी कोशिश है कि योजनाओं को सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ मिले। इसी दिशा में बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग ने बड़ी पहल की है। इसको लेकर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री दिवेश मिश्रा ने बताया कि 17 सितंबर से प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत बिहार के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बिहार में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलने की उम्मीद है। राज्य में मॉनसून का असर तो अब बेहद कम हो गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर 3 दिन बाद बिहार में दिखाई दे सकता है। इसके चलते राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राजधानी के मौसम में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने के बाद ही अच्छी बारिश हो सकती है। बुखार पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में बनी विशेष व्यवस्था। बिहार में इन दिनों बच्चों में फ्लू की शिकायत लगातार आ रही है। ऐसे में जो बच्चे बुखार से पीड़ित है उनकी मदद के लिए बिहार के सभी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ पर पीड़ित बच्चों का इलाज किया जाएगा, जिसके बाद आज यानी कि सोमवार से यहाँ पर खांसी जुकाम बुखार के बच्चे पहुंचेंगे, उनको फ्लू कॉर्नर कक्ष में देखा जाएगा। इसके लिए अलग से डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है और पर्चा भी मरीज का यहीं पर बनेगा। इसको लेकर पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने सभी अस्पतालों को आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के साथ ही कक्ष को बनाने के लिए साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिले में कुल 23 पीएचसी, 3 रेफरल और 4 अनुमंडलीय अस्पताल है। बिहार की प्यारी परंपरा याद कर इस बार भी प्रवास पर अफ्रीकी चातक।
दुर्लभ पक्षियों का बसेरा जगतपुर झील में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां इनकी चहचहाट सुनाई देने लगी है। लेकिन इन सब में से सबसे खास मेहमान है अफ्रीकी चातक, जिसे हम जैकोबिन कुको के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग में और गोस्वामी तुलसीदास एवं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में चातक का वर्णन जरूर किया है। अब यही पक्षी जो है वो बिहार के भागलपुर में प्रवास कर रहे हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं कि अफ्रीकी चातक हर वर्ष भागलपुर प्रजनन के लिए आते हैं। बारिश के समय ये यहाँ ठहरते हैं और फिर हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरा कर वापस लौट जाते हैं। भागलपुर से नवगछिया जाने के क्रम में रंग बिरंगे पक्षियों का अद्भुत कलवर विक्रमशिला सेतु पार करते ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके तहत अगर आप भागलपुर जाए तो इस जगह का भ्रमण जरूर करें। बीसीसीआई ने जारी की बिहार महिला अंडर 19 टीम की सूची। विशाखापट्टनम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित होने वाली अंडर 19 वुमेन्स वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार क्रिकेट संघ द्वारा बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीए क्रिकेटिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए अधिकृत जिला संघों के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार अंडर 19 महिला टीम की कमान श्रुति गुप्ता को सौंपी गई है। वहीं यशिता सिंह को बिहार टीम का उपकप्तान बनाया गया है। बता दें कि बीसीसीआई द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार महिला अंडर 19 एक दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार टीम को एलीट ग्रुप सी में शामिल किया गया है, जिसमें बिहार टीम का मुकाबला मध्य प्रदेश, केरल, बड़ौदा, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की टीम से वाइजैक विशाखापट्टनम में होनी है। आलू उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा बिहार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय कर बीज उत्पादन की नई तकनीक के साथ विस्तारीकरण और अनुसंधान पर काम कर रहा है, जिसके तहत ही आलू उत्पादन के मामले में बिहार के किसान आत्मनिर्भर होने वाले हैं, जिसके तहत यहां के किसानों को आलू बीज के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही अब बिहार में रोग मुक्त और गुणवत्ता युक्त उच्च तकनीक से आलू के बीज का उत्पादन किया जाएगा। बीज उपलब्ध हो जाने से लागत कम होगी, इतना ही नहीं रोगों से नुकसान होने की संभावना भी बहुत कम होगी। भारत के इन तीन गांव की यूएन ने भी की तारीफ। यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण की दृष्टि से घूमने के बेहतरीन गांव की लिस्ट में मेघालय के कोंगथोंग गांव, मध्य प्रदेश के लाधपुर खास और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को बेहतरीन बताया है, जिसके तहत इन तीनों गांव को यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि ये गांव घूमने के हिसाब से बेहतरीन स्थान है। इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के लाधपुरा खास गांव की बेस्ट टूरिज्म विलेज में एंट्री हमारे लिए गर्व की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ जीतन राम मांझी ने उतारा उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में जल्दी उपचुनाव का आयोजन होने वाला है, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस चुनाव में अब और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि हमने इस पर अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पार्टी के पश्चिमी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सत्तादुरू रॉय भवानीपुर पश्चिम बंगाल से हम पार्टी के उम्मीदवार बनाए हैं। वो 13 सितंबर को अपना नॉमिनेशन हम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में करेंगे। इस पार्टी पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएगा। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुकेश सैनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार विकासशील इंसान पार्टी ने मांग की है कि निषाद समुदाय और उसकी सभी उपजातियों को उनका हक और अधिकार मिले। इस मांग को वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष भी उठाएंगे, जिसकी जानकारी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सैनी मछुआरा समाज को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लगातार कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वो इन्हें मुद्दों को उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता की बरसी पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा करने की उठाई मांग। बीते दिन रामविलास पासवान की पहली बरसी थी। इस मौके पर लोजपा की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने सरकार से खास मांग की, जिसके तहत जमुई से सांसद ने मांग की है कि उनके पिता को राज्य की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, साथ ही राज्य में उनकी एक प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। चिराग ने कहा कि हमारे नेता का 50 साल का सक्रिय राजनीति में बेदाग योगदान रहा है, राज्य की तरफ से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। वहीं बीते दिन चिराग ने अपने पूरे परिवार के साथ पिता को श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही चिराग ने भारत रत्न देने की मांग भी दोहराई है। कैमूर में
जेपी सिंह का हुआ भव्य स्वागत, तेजस्वी को लेकर साधी चुप्पी। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीते दिन कैमूर जिले पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कुदरा के भभुआ मोड़ पर जदयू कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, तो वहीं भभुआ रोड में उन्हें अंगवस्त्र और पगड़ी पहनाई गई और हाथों में तलवार दिया गया। हालांकि इस दौरान पहुंची मीडिया कर्मियों ने उनसे तेजस्वी यादव के पैसे बांटने वाले वीडियो को लेकर सवाल किया, लेकिन आरसीपी सिंह इस सवाल से बश्र देखे गए। इस दौरान जब तेजस्वी को लेकर के उनसे पूछा गया कि महिलाओं को पैसे बांटने की बात के पीछे की वजह क्या थी, तो आरसीपी सिंह ने हाथ जोड़ लिए। वहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के प्रश्न पर वो बिना कुछ कहे आगे चलते बने। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 40 लाख हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संस्थानांतरण का सुझाव दिया। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया। भारत के विश्वनाथन आनंद ने 2000 के शेनयान में पहली फिनडे शतरंज विश्व कप जीता। लोकसभा में 2009 को एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोची के चार्ल्स डाइस को मनोनीत किया गया। चंद्रमा पर 2009 में बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ। भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्म 1973 को आज ही के दिन हुआ। भारत की प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक का निधन 1928 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार शायर अनजान का निधन 1997 में आज ही के दिन हुआ था। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने बुक लॉन्च इवेंट पर उठ रहे सवाल पर तोड़ी चुप्पी। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचवें टेस्ट मैच के स्थगित होने के पीछे इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री पर अपनी टीम में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया, क्योंकि शास्त्री कुछ दिन पहले ही अपनी पुस्तक का विमोचन करने के लिए लंदन गए थे। हालांकि अब शास्त्री ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हेड कोच ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि उनकी वजह से टीम इंडिया में कैंप में कोरोना का मामला सामने आया है और भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच को रद्द किया गया। इस बाबत रवि शास्त्री ने कहा कि मेरे बुक लॉन्च इवेंट से कोरोना मामलों पर कोई असर नहीं पड़ा है, पूरा इंग्लैंड इस वक्त ओपन है, इसलिए पहले टेस्ट मैच से ही कुछ भी हो सकता था। चोरी हुआ फोन अब तुरंत मिलेगा वापस। अगर आपका मोबाइल फोन भी चोरी हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुरंत ही आपको वापस मिल जाएगा। गूगल का एक नया एप्लीकेशन इसमें आपकी मदद करने वाला है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप गूगल फाइंड माई डिवाइस मौजूद है। इस पर जो चोरी हुए फोन को ढूंढने में आपकी ऐप पूरी तरीके से मदद करेगा। हालांकि यह एंड्रॉयड डिवाइस पर ही काम करेगा। इसके इस्तेमाल की बात करें तो अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो सबसे पहले किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। इसके बाद गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप को ओपन करें, फिर चोरी हुए फोन में लॉगिन जीमेल को गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप में लॉगिन करें। इसके बाद चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन आपको पता चल जाएगी। बिस्किट और चॉकलेट बिकने वाली दुकान पर नहीं बिकेगी तंबाकू। अब तंबाकू की बिक्री बिना नगर निगम की अनुमति के नहीं हो सकेगी, जिसके तहत तंबाकू बेचने के लिए दुकानदारों को नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सीट संस्थान पटना निगम द्वारा खुलेआम तंबाकू की बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है, जिसके बाद अब अगर किसी भी दुकानदार ने तंबाकू की बिक्री बिना नगर निगम की अनुमति के की तो उसके कार्रवाई होना तय है। इसके साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी आपको चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही तंबाकू की दुकान में खाद्य सामग्री की बिक्री अब नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कर अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू बेचते पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। पटना से मुजफ्फरपुर छपरा के लिए ग्रीन फील्ड सड़क का मामला बढ़ेगा आगे। पटना से मुजफ्फरपुर छपरा के लिए ग्रीन फील्ड सड़क का मामला आगे बढ़ने वाला है। इसको लेकर कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। भारतमाला श्रृंखला के तहत इन दोनों सड़कों को मंजूरी मिल गई है। अलाइनमेंट तय होने के बाद इन दोनों सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाने पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि निर्माण के लिए NHAI दो विकल्प पर काम कर रहा है। पहला विकल्प यह है कि कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6-लेन पुल में यह सड़क बने और दूसरा प्रस्ताव दीघा सोनपुर पुल के समानांतर बनने वाले पुल से मुजफ्फरपुर के लिए नए ग्रीन फील्ड के सड़क के निर्माण की योजना है। दोनों अलाइनमेंट में जमीन अधिग्रहण के लिहाज से किसमें सहूलियत होगी, फिलहाल इस पर विमर्श किया जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, पंकज कुमार, चंदन कुमार, अनुराग कुमार, प्रियांशु सिंह, सुमित कुमार, सहाना कुमार, पप्पू कुमार, अमन सिंह, अमलेश कुमार, रंजीत कुमार, उदय कुमार, कोमल कुमारी, प्रमोद कुमार, रविन्द्र कुमार, आतिक खान, सज्जाद खान, विनोद कुमार राज, रानी गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, कल आपका नाम लेने की पूरी
कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किस नेता ने बिहार का मान बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।